नमस्कार, आईबीएन 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत, सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक के जाट ग्राउंड से देख रहे हैं, जाट कॉलेज के ग्राउंड से देख रहे हैं। जिस सड़क को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सड़क स्पेशल मुख्यमंत्री की आगमन से ठीक 3 से 4 घंटे पहले बनाई गई थी कि मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, इस सड़क से जाएंगे और छोटू राम की समाधि के ऊपर पुष्प अर्पित करके आएंगे, इसलिए ये सड़क बनाई गई थी। नहीं तो इस सड़क की बनाने की जो मांग है वो लगातार पिछले 5-6 सालों से उठ रही थी और यहां से हर रोज हजारों की संख्या में छात्र हैं वो आते जाते। शाम को हॉस्टल है, सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो, हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। लड़कियां रात को आती जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा तो नारा दिया जाता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। लेकिन जो सड़क है, इस वक्त इस सड़क को आप देख रहे हैं, ये सड़क केवल और केवल इसलिए बनाई गई थी कि मुख्यमंत्री जी यहां से जाएंगे। दूसरा मैं एक और अनोखा दिखाता हूं कि सामने तस्वीरों में आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा, वहां पर मुख्यमंत्री जी की रैली थी और इस ग्राउंड में पार्किंग बनाने के लिए दीवार तोड़ दी। तस्वीरों में आप ग्रिल देख सकते हो, ये ग्रिल उठा के साइड में रख दी, दीवार तोड़ के यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बना दी। लेकिन उसके बाद यहाँ ना तो कोई सुध लेने वाला है, ना इसको कोई देखने वाला है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाट संस्था के आजीवन सदस्य चंचल नांदल हमारे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। जी नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखिए मोहित जी, आपने जो दिखाया है उससे पहले भी कई मीडिया के माध्यम से ये रोड आई थी, इसमें इतने बुरे हालात थे कि बारिश के टाइम में गोडो गोडो तक यहाँ पानी हो जाता था। और यहाँ जो महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय है इससे आगे, और इससे पहले छोटूराम पब्लिक स्कूल है, उससे आगे छोटूराम बीएड कॉलेज है, इधर 110 साल पुराना जाट स्कूल है, और इसी रोड से ही छोटूराम जी की समाधि, मास्टर बलदेव जी की समाधि, चोकदेव सिंह की स्टैच्यू और अन्य जो लोग हैं जो संस्थाओं से जुड़ा हुआ है उनके स्टैचू यहाँ है। मतलब मेन एक ही जगह है जाट संस्थाओं की जहाँ सीआर सेलिब्रेशन फंक्शन भी होता है। और हम पिछले 5 साल से, जैसा कि आपने बताया, ये हम आवाज़ लगातार उठा रहे थे, बल्कि अब तो हमने ये कोशिश की थी कि भाई आखिरी बार कोशिश कर लें मीडिया के माध्यम से एक बार फिर आवाज़ उठा दें कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। हमने रोड की मांग की थी, भाई रोड अब तो बना दो कम से कम। तो ये रोड बन गया, ये रोड मतलब पूरा बन गया हॉस्टल तक या केवल स्टैचू तक बना है? ये स्टैचू तक बना है। आप देखिए ना, यहाँ से आप राइट मुड़ेंगे तो आगे छोटूराम जी की समाधि और उनका ब्रस्ट भी है, और ये वहाँ तक बना है। और आप देखेंगे सिर्फ रोड बना है, ये ग्रिल देखिए, ग्रिल अभी तक टूटी हुई है पीछे, आप देखेंगे ना। हाँ, तो पहले भी हमने दिखाई थी, ग्रिल टूटी हुई है और ये आज भी यूं की यूं है, सारी दीवारों में तरेड़ है, सब पूरी रोड के हालात खराब है। और एक बात और मैं बता दूं कि हमने मीडिया के माध्यम से जो मांगे उठाई थी वो सारी मांगे 100% जायज थी, लेकिन उसके ऊपर एक के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने बात नहीं की, बल्कि कुछ और संस्था ने भी मांगे उठाई थी अलग से। और उन मांगों में मैं एक मांग और बता दूं क्या थी। एक तो सीआर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, उसका मतलब NOC हरियाणा, DHC से NOC मिलती है, वो नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है, उसको तो अनाउंस करने की बात भी नहीं थी। जो कॉलेज खोलता है उसको शुरू में एक NOC मिल जाती है, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक परमानेंट NOC मिल जाती है, खासकर जो प्रोफेशनल कॉलेजेज हैं। वो एक तो वो मांग उखाम खा की मांग थी, उसको उठाने की जरूरत भी नहीं थी और उसका बखान यहाँ हो गया। दूसरा 24 आवर बिजली का हॉटलाइन सिस्टम, चलो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी। वैसे लाइट शहरों में 20 से 22 घंटे वैसे भी रहती है, अब पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन का अगर आप छोड़ दें तो चलो ठीक है, वो भी एक अच्छी बात, हम उसके लिए ये नहीं कह रहे कि भाई वो हम उसकी यहाँ भर्त्सना करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मांगें थी, प्रिंसिपल महेश ख्यालिया हैं जाट कॉलेज के, गलत तरीके से यहाँ लगे हुए, उनकी मांग थी, उनके बारे में कुछ बात नहीं हुई। PF घोटाला हुआ करोड़ों रुपये का, उस पर सारी जाँच हो चुकी है, 2 लोग दोषी भी साबित हो चुके हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जाँच ना होने की वजह से टेक्निकल एजुकेशन ने रिटायर्ड सेशन जैसे जांच कराने की मांग की थी, वो CM विंडो पे 2 साल से पेंडिंग पड़ा है। और अन्य और मांगे इस तरह की थी जो पढ़ाई से जुड़ी हुई थी, हमने उठाई थी ANM GNM का कोर्स शुरू करने की बात थी, प्रोफेशनल कोर्स, JBT यहाँ नहीं है, JBT शुरू करने की बात थी, हमने मांग उठाई थी। सबसे बड़ी बात, जाट स्कूल के हालात खराब हैं, बंद होने के कगार पे है, हेरिटेज होना चाहिए था, डिक्लेयर ही है सरकार की तरफ से हेरिटेज बिल्डिंग, क्योंकि ये स्कूल 8 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं बोली गई। और ना ही
हमने 100 करोड़ की मांग इसलिए की थी 100 करोड़ में, आप देखें हालात खराब, ग्राउंड एक बार आप दिखा दो प्लीज, क्या ये ग्राउंड है? आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जाट संस्था का ग्राउंड है, दीवारें टूटी हुई हैं, ग्रिल साइड में लगा दी गई है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे कई बार 15-20 साल पहले बहुत स्कूल कॉलेजेस आके अपने फंक्शन किया करते थे, लेकिन अब आप ग्राउंड के हालात देख ले, कहीं ट्रैक भी हो तो ग्राउंड का जीर्णोद्वार करने की मांग की थी हमने कि सारे ग्राउंडों का जीर्णोद्वार हो जाए दोबारा से, कई ग्राउंड है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, अब आप एक बार उधर कैमरा लेके जाइए, वहाँ ऑडिटोरियम की अनाउंसमेंट आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री खुद करके गए थे कि चौधरी छोटूराम जी के नाम से ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, क्योंकि पूरी संस्था में कोई ऑडिटोरियम नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। उनके नाम का पत्थर भी लोग पाट ले गए, है नहीं पत्थर, सिर्फ वो एक छोटी सी दीवार खड़ी जिसके ऊपर पत्थर लगता है। उसके बावजूद मुझे जो जानकारी मिली है, एक संस्था की तरफ से एक मांग और की गई थी कि भाई ओपन एयर थिएटर टाइप कुछ बना दिया जाए, जब तक उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो ये जो हुआ है ये ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। आपने जो ऑडिटोरियम का जिक्र किया उसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, पत्थर लगाया था, पत्थर लगाया था सर 5 साल पहले, चौधरी वीरेंद्र सिंह जब इस्पात मंत्री होते थे, जबकि बात है ये 51 लाख रुपए वो उठ के गए थे, 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी उठ के गए थे, और आज तक 5 साल हो गए। हमने अपनी 3 दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला भी उठाया था, हम ये चाह रहे थे कम से कम वो अनाउंसमेंट तो कर जाए, चलो 100 करोड़ तो बहुत दूर की कौड़ी होगी जो लगा मुझे, जो 51 लाख रुपए देखे गए हैं, और अब 51 लाख में होगा क्या आप ये बताएं, क्या करें 51 लाख में? अगर आप ग्राउंड भी ठीक करने चलते ना, सिंथेटिक ग्राउंड, और आज के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं खिलाड़ियों के, उसके अनुसार आप एक भी ग्राउंड बनाते हैं तो 1-2 करोड़ रुपए तो उसमें ही लग जाता है। एक ये बड़ा आरोप है कि यहाँ पे जो ऑडिटोरियम बनना था उसके लिए 51-51 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने और वीरेंद्र सिंह ने उठे थे, लेकिन 5 साल हो गए, वो घोषणा जो है वो हवा हवाई है, और जो यहाँ पे पत्थर लगा के गए थे मुख्यमंत्री ने, जो शिलान्यास किया था, उद्घाटन जो करना था, जो पत्थर लगाया था, जो घोषणा की थी, आज वो पत्थर भी यहाँ से उखाड़ लिया गया है, पत्थर भी यहाँ पे नहीं है। जो ये सड़क बनाई गई, क्या छात्रावास तक जो आगे सारी सुविधा उन तक दी गई है, केवल मूर्ति तक के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सड़क बनाई गई है? आपने क्या बताया था अभी कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से जाएंगे और वो छोटूराम जी की समाधि पे माल्यार्पण करेंगे, सिर्फ इसलिए सड़क बनी है। और चलो मैं तो मानता हूँ कि भाई एक दो बार मुख्यमंत्री को और बुला रहे हैं संस्था, या संस्था में स्पेशली आ जाए, अब तो खैर वो बीजेपी की प्रगति रैली के लिए आए थे, तो मैं तो खुद रिक्वेस्ट करूँगा मुख्यमंत्री जी यहाँ महीने में एक विजिट करते रहें, उससे कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, हो सकता है अगली बार ग्राउंड का जीर्णोद्धार हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्टेट का राजा होता है एक तरह से, और वो उसके लिए सब संस्थान सब डिस्ट्रिक्ट एक बराबर होती हैं और एक नज़र से देखते हैं। हमें उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करके जाएं, कम से कम संस्था को ऑडिटोरियम का तो काम शुरू करवा के जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, और हमने मुख्यमंत्री जी के नाम मांग पत्र डीसी साहब को सौंप दिया था कि भाई आप डीसी साहब को सौंप दें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें बुला भी सकते हैं, हम अपनी मांग पत्र सीधा उनको भी दे सकते हैं, लेकिन उनको ऑफिस में हमने रिसीव करवा दिया था, और वो उनके पास है, मुख्यमंत्री के पास है, ये तो डिप्टी कमिश्नर महोदय बता सकते हैं। आप सबसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस रास्ते पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं, वो छात्रावास में जाते हैं, आगे इंस्टीट्यूट भी है वहां भी जाती हैं, लेकिन वहां तक ये सड़क नहीं बनाई गई, आगे हॉस्टल है, हॉस्टल में रात के समय भी अंधेरा होता है, उस टाइम भी लड़कियां जाती हैं, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जो सुविधाएं चाहिए उनके नाम पर सरकार मौन है। और आप जो इस सड़क देख रहे हैं इसमें भी बिल्कुल लिपापोती की गई है, जो सड़क बनानी चाहिए थी उस तरीके से ये सड़क नहीं बनाई गई, केवल इसलिए बनाई गई है। आपने पिछले दिनों देखा था, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहर में आए थे, उस दौरान भी दिल्ली रोड पर जो सड़क उखड़ी हुई थी उस सड़क को रास्ता रोक के, रास्ता ब्लॉक करके बना दिया गया था, और ठेकेदार का एक बयान भी आया था कि प्रशासन की तरफ से ये बोला गया कि 2 दिन में आपको ये सड़क तैयार करके देनी है, मुख्यमंत्री जी यहां से आएंगे। तो आप सब लोगों से अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, सड़क यहाँ से बन के आई है और इस सड़क को इस तरफ मोड़ दिया, क्योंकि यहाँ छोटूराम जी का स्टेचू है आगे, वहां पे मुख्यमंत्री जी ने उनको पुष्प अर्पित करने थे, लेकिन आगे का आप जो देख सकते हैं वो वही हालात है जो पहले थे। तो आप सबसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।